ये कहानी है एक कौवे की। वो कौवा मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी था और इसकी वजह बस यही था कि उसका रंग काला था। वो जब भी दूसरे सुंदर पक्षियों को देखता था तब मन ही मन बस यही सोचता था, शायद मैं भी उनके तरह सुंदर होता। तब एक दिन नदी के किनारे में एक साधु बैठकर तपस्या कर रहा था। तब वो साधु ने अचानक देखा कि वो कौवा मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी है। तब उस साधु ने उससे पूछा था, अरे तू रो क्यों रहा है? तब उस कौवे ने जवाब में कहा था, मैं आखिर रो नहीं तो क्या करूं? ये भी कोई जीवन है? दुनिया में इतने सारे खूबसूरत पंछियां हैं और भगवान ने हमें आखिरकार ऐसा क्यों बनाया? इससे तो मर जाना अच्छा है। जिसके भी घर पर जाता हूँ भगा देता है। कोई पालता भी है हमें? कभी भी आपने देखा है कि किसी ने कौवे को प्यार से खाना खिलाया है? तो फिर मैं दुखी नहीं हूँ तो फिर क्या करूँ? तब उस साधु ने उससे कहा था, अच्छा ठीक है, तू बता तू कौन सा पंछी बनना चाहता है? तब उस कौवे ने कहा था, अगर जीवन में बाकी में मौका मिले तो मैं हंस बनना चाहता हूँ। तब उस साधु ने कहा था, मैं तुझे अपनी योग शक्तियों से बहुत ही आसानी से हंस बना सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तू एक बार एक हंस से जरूर मिलकर आ। तब जब उस कौवे ने एक हंस से मिलने के लिए गया था तो उसने देखा था कि वो हंस बहुत ज्यादा दुखी था। तब उसने उस हंस से पूछा था, भला तुझे क्या तकलीफ है? आखिर तू रो क्यों रहा है भाई? तब हंस ने कहा था, अरे ये भी कोई जिंदगी है? बस पानी में तैर कर ही जिंदगी निकल जाती है। मुझे भी तो उड़ने का शौक होता है, पर क्या करूं? और उसके ऊपर अगर ज्यादा वजन हो जाता है तो फिर इंसान तो हंस को पकाकर खा लेती है। तब ये सब सुनकर वो कौवा हताश होकर उस साधु के पास वापस चला गया। तब उसने उस साधु से कहा था, महाराज मैं बाज बनना चाहता हूँ। तब उस साधु ने उसे कहा था, बाज बनने से पहले एक बार तू जरूर उससे मिलकर आ। तब जब उस कौवे ने एक बाज के साथ मिला तो उसने देखा कि वो बाज बहुत ज्यादा दुखी था। वो कह रहा था, भले ही मैं पंछियों का राजा हूँ पर मुझे आसमान में बस अकेला ही रहना पड़ता है। मेरे पास कोई भी नहीं रहता है। ऐसे अकेले जीना भी कोई जीना है? तब ये सब सुनकर उस कौवे ने थोड़ा हताश होकर उस साधु के पास वापस लौट गया था और उस साधु से कहा था, महाराज मुझे तोता बना दीजिए क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है। तब साधु ने उसे कहा था, तू एक काम कर, तू पहले एक बार तोते से जरूर मिलकर आ। तब जब उसने एक तोते के साथ मिलने के लिए गया था तो फिर उसने देखा था कि वो तोता बहुत ज्यादा दुखी था। तब जब उस कौवे ने उसे पूछा था कि आखिरकार तुम इतना दुखी क्यों हो, तब उस तोते ने जवाब में कहा था, मेरा रंग हरा है, पेड़ के साथ साथ ऐसे घुल मिल जाता है कि लोगों को तो नजर ही नहीं आता है। ऊपर से अगर नजर आ भी गया तो फिर पकड़ कर पिंजरे में बंद कर रख देती है। ऐसे ही कटती है बस हमारी जिंदगी। तब ये सब सुनकर वो कौवा दुखी होकर फिर से साधु के पास चला गया था। तब उसने कहा, महाराज मैं मोर बनना चाहता हूँ क्योंकि उसके तरह सुंदर पक्षी इस दुनिया में बहुत कम है। तब उस साधु ने कहा था, अच्छा तू एक बार उससे जरूर मिल ला। तब जब उसने एक मोर से मिला तो उसने देखा था कि वो मोर बहुत ज्यादा दुखी है। तब जब उस कौवे ने उसे पूछा, क्या है तुम इतना दुखी क्यों हो? तब उस मोर ने कहा था, ये भी क्या कोई जिंदगी है? कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। इंसान हमें मारकर हमारे पंख को भी घर पर सजा कर रखती है। कब क्या हो जाए क्या पता। अरे मुझसे ज्यादा अच्छा तो तू है रे, कभी कोई तेरा शिकार करता भी है? ये सब सुनकर वो कौवा वहां से चुपचाप चला गया था। दोस्तों आप जो भी है, जिस अवस्था में भी है वो ही ठीक है। इस दुनिया में हर एक इंसान अलग होते है। इस जीवन में कभी भी अपने आप को किसी से भी भूल कर भी तुलना मत करना क्योंकि हर एक के अंदर अलग गुण जरूर होते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए और उसके साथ साथ हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।